जेब खाली है, मईशत की बदहाली है और इस सरकार की नाकामी है। हम क्या कह रहे हैं? कल इमरान खान साहब के कहने पर मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और मैंने कहीं के इंसाफ की वकालत की और चीफ जस्टिस साहब को कहा, मजाकात की सारी कहानी मैंने उनकी खिदमत में पेश कर दी कि वो कहते क्या है और वो करते क्या है, वो दिखाते क्या है और वो चाहते क्या है। वो आया कर दी, नुमाया तौर पर बेनकाब हो गई पीडीएम और चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर शासी जमातों में इत्तफाक का मैंने मौका दिया क्योंकि आपने खुद मोहलत मांगी और तरीके साफ ने जायज मोहलत दी, मजाकरात किए, एक नहीं दो नहीं तीन नशिस्तें की, जो चाहते थे हमने लचक दिखाई, लेकिन उनकी नीयत ही नहीं है इंतखाबात की तरफ बढ़ने की। चुनाचे हमने अपना मौकिफ लिखकर चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में पेश कर दिया, उन्होंने भी अपना मौकिफ पेश कर दिया और चीफ जस्टिस साहब ने कहा अगर आप में इत्तफाक नहीं हो सका तो फिर हम वो फैसला करेंगे जो आईन कहता है, जो कानून कहता है, और कानून कहता है इंतखाबात। उन्होंने कहा कि अगर आपका फैसला नहीं होता तो फिर 14 मई का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो अपनी जगह कायम है, वो अपनी जगह कायम है। मैं पूछता हूं क्या तहरीके इंसाफ का कारकुन भी इमरान खान के साथ कायम खड़ा है? क्या इमरान के नजरिए के साथ खड़ा है? आज इमरान का तर्जुमान कौन है? इमरान का तर्जुमान वो है जिसके हाथ में तरीके इंसाफ का झंडा है। इमरान का तर्जुमान कौन है? इमरान का तर्जुमान वो है जिसके हाथ में बल्ला है, बल्ला इमरान के नजरिए की अक्कासी करता है, बल्ला उसके विजन की अक्कासी करता है, बल्ला उसकी सोच की तर्जुमानी करता है। और तरीके इंसाफ के कारकुनान ने बल्ले की हिफाजत करनी है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मिलकर आप पूरे पाकिस्तान में गांव गांव, करिया करिया, शहर शहर, चौक चौक फैल जाएंगे और इमरान का सोच, नजरिया और विजन गली गली, डोर टू डोर कैंपेन के जरिए, डोर नॉकिंग के जरिए आप आवाम तक पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह इंतखाबात आज हो या कल हो पता किसकी होगी, मोहर किस निशान पे लगेगी। तो फिर मैं कह लूं ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा इंशाल्लाह। साथियों इंशाल्लाह आने वाला दौर तरीके इंसाफ का होगा और क्लीन स्वीप करेगी तरीके इंसाफ। मुझे ताखीर क्यों हो गई, मैं ये 16वां 17वां प्रोग्राम कर रहा हूं, ऐसे 17 प्रोग्रामों में गया हूं, हर यूनियन काउंसिल में मैंने मोहब्बत देखी, हर यूनियन काउंसिल में मैंने 200 खरोश देखा, पीपी 217 की एक एक यूनियन काउंसिल में, और फिर आपने मोहब्बत से बुलाया तो आपकी खिदमत में भी हाजिर हो गया और आपको मुबारकबाद पेश करता हूं इस कामयाब प्रोग्राम की, आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। इंशाल्लाह ये काफिला बढ़ता चला जाएगा और अपनी मंजिल पाएगा। आपने अब मिलकर मेरे साथ 3 नारे लगाने हैं जो आपके बलबले और आपके जज्बे और आपके नजरिए की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। और इंशाल्लाह हम
बता देना चाहते हैं, वो जो आइन शिक नहीं करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का कारकुन हर शहर में, हर कस्बे में, हर बाजार में, हर चौक पर आइन के दफा करेगा और हक और रूल ऑफ लॉ की तर्जमानी करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाह साहब। तमाम दोस्त फिर नारा लगाएंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत।